गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको स्कूल का जो हमारा गणित शिक्षण है उसके बारे में उसका पाठ्यक्रम लिखवाया था, इन द सेंस सिलेबस लिखवाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में इस साल 3 यूनिटें हैं, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट इकाई है जो हमारी उसको शुरू करेंगे। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम में सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, इसलिए जो हमारा पाठ्यक्रम शब्द है वो कहाँ से आया, उसका निर्माण कहाँ से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो हमारा पाठ्यक्रम शब्द है, पाठ्यक्रम जो हमारा पाठ्यक्रम शब्द है, इसके जो ये शब्द है पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करिकुलम करिकुलम का हिंदी रूपांतरण
क्रियाएं थे, समस्त क्रियाएं निहित है, निहित है जिनको विद्यालय द्वारा सामग्री
जिससे हम कोई लाभ ना उठा सकें उठा सके लाभ ना उठा सके व्यर्थ होती है। ठीक है, असल है को छात्र
ठीक है, अब जो हमारा गणित है, गणित का शिक्षण तो वैसे भी क्रिया प्रधान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर केवल शिक्षक है जो बच्चों को गणित में क्वेश्चन या सवालों का हल करवाते रहेंगे, वो बच्चों को खुद बच्चों को नहीं देंगे करने के लिए, तो बच्चे स्वयं नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब तक बच्चे खुद उस क्वेश्चन को या उस प्रश्न को या अभ्यास को बार बार नहीं दोहराएंगे तब तक उन्हें उस अभ्यास के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए जो हमारा पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम है वो क्रिया प्रधान होना आवश्यक है। बच्चे करके सीखते हैं, करके सीखना स्वयं अपनी विशेषता प्राप्त कर चुका है। जिस ज्ञान को छात्र स्वयं करके सीखता है वह ज्ञान अधिक स्थायी रहता है तथा प्रभावशाली होता है। वो प्रभावशाली इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा खुद उसे करना जब बच्चा खुद उसको स्वयं करता है तो उसको करने से उसमें खुद में एक प्रेरणा आती है या रुचि उत्पन्न होती है उस चीज को करने के लिए। जैसे छोटी कक्षाओं में बच्चों को जो शिक्षक होता है वो जोड़ भागी गुणाभाग सिखाता है, फिर वो भी गृह कार्य के रूप में भी देता है ताकि बच्चे हैं जो उसे खुद करना सीखे। जब वो खुद उसे करना सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, करके सीखते हैं, तो जब उनके क्वेश्चनों के आंसर सही आते हैं या उनका किया हुआ कार्य एकदम सही होता है तो उनमें उस कार्य के प्रति और भी ज्यादा रुचि उत्पन्न होती है। क्रिया का सिद्धांत एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि क्रिया का सिद्धांत है जो उसका उपयोग करने से ये होता है कि बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब बच्चा स्वयं किसी कार्य को करेगा तो उसमें उस कार्य को लेकर के रुचि भी उत्पन्न होगी। तो अब हमारा आता है तीसरा सिद्धांत जो है, हमारा तीसरा सिद्धांत है वो है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का ऐसे सूत्र या ऐसे सिद्धांत होने चाहिए
सिद्धांत भाव केंद्र का और अगर आप बाहर